अरे भाई इतनी धूप है कि कोई बाहर ही नहीं निकलता, लोग छाव छाव में चल रहे हैं, तो छाव है नहीं फिलहाल। कोई एक आइडिया देता हूँ कि गाड़ी कितने हद तक गर्म होती है, मतलब आप यहाँ पे ना हाथ नहीं रख सकते। बुक्स तो आ चुकी है अपनी, ठीक है, पीछे रख दिया यहाँ पे, फिलहाल आप चलते घर। Hey guys, कैसे हो? I'm back to my new vlog. और आज है 16th of May 2024, जो 16 तारीख है ना, 16 तारीख है भाई। और बस मैंने सोचा कि आज गाड़ी से ही सीधा व्लॉग चालू करते हैं, जा कर रहा हूँ दादी साथ में, जा रहा हूँ अपने कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे मेरे चल रहे ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट और उसके अंदर ना मेरा लॉगिन नहीं हो रहा आईडी से, तो काफ़ी बच्चों में दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बुलाया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे आ जाओ, एक रूम नंबर दे दिया कि वहाँ पे आ जाओ, और वहाँ पे थोड़े पता नहीं क्या करेंगे, ऐसा कौन सा हैक ट्राई करेंगे। मैं तो भाई मिनिमम मैं बता रहा हूँ मोर देन 250 टाइम्स भाई मैं ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन नहीं हो रहा। पासवर्ड किसको याद रहता है भाई, आजकल लोगों को इंस्टाग्राम स्नैपचैट किसका पासवर्ड याद नहीं रहता। तो मैं भाई जाना पड़ रहा है, तो इतनी दूर है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, साउथ कैंपस के पास दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब एसी भी ना ढंग से काम नहीं कर पा रहे। मम्मा नहीं कर रहा ना, गर्मी अलग लग रही है। बेल्ट पहनी हुई है ना, कहाँ पहनी हुई है ये ऊपर, पूरी निकालो ना, अरे ढंग से पहनो भाई बेल्ट। हाँ अब सही है, ऐसे पहनी हुई है। कोई आइडिया देता हूँ कि गाड़ी कितने हद तक गर्म होती है, मतलब आप यहाँ पे ना हाथ नहीं रख सकते, जैसे ही रखोगे ना वैसे ही डालोगे, मतलब इतनी ज्यादा गर्म होती है। हमारे घर के नीचे खड़ी होती ना भाई, देखो धूप तो हर जगह है, छाव से कहाँ कहाँ अलग अलग खड़ी करेंगे जगह, तो उसमें भी दिक्कत है। अच्छा अच्छा है ना कि घर के नीचे पार्किंग है तो खड़ी होती है भाई, सबकी गाड़ियाँ लगभग धूप में ही खड़ी होती है, कौन देखता है छाव धूप, कम से कम गाड़ी की पार्किंग मिल गई वो तो अच्छा है। पुराने घर में तो भाई बहुत दिक्कत थी पार्किंग की, अब तो फिलहाल फिर भी अच्छी है। चलते हैं फटाफट भाई, मजे लेते हैं, गाने पाने सुनते हैं, हॉटस्पॉट कनेक्ट करता हूँ पहले इससे। और फिलहाल अभी लंबा रास्ता है भाई, अभी तो पहुँचे ही कहाँ है, फरीदाबाद से यहाँ आना भी बहुत बड़ा टास्क है भाई, एक तो इतना जाम और मेट्रो का काम चलता है ना भाई, क्या बताएं आपको। चलो भाई जाम कितना लगा हुआ है, इतनी गर्मी है दिखाता हूँ आपको, गाड़ी के 3 पॉइंट हो गए, मतलब मिड पॉइंट में पहुंच गई है, 3 पॉइंट ऊपर तो एकदम ओवर हीट, मतलब होना नहीं चाहिए भाई, हो भी ना भाई खर्चा जाता मोटा, ऐसा ही रहे। और मम्मा भाई एसी भी अब ठंडा किया है जा करके, गाड़ी अब ठंडी हुई है, सही बताऊँ तो दिमाग खराब हो गया एकदम गहरा, और जाम इतना लग रहा है ना कि गुस्सा अलग आता है गर्मी में, और ऊपर से एक तो जाम, क्योंकि खड़ी गाड़ी में ना एसी थोड़ा लो पड़ जाता है, थोड़ा कम कूल करता है, चलती गाड़ी में थोड़ा ठीक है, एकदम बढ़िया सेट है मामला, फिर भी अब जाके ठंडी हुई है गाड़ी, यहाँ से पता लगता है हीट अब्सॉर्ब कर लेते ना ये कपड़े जो भी होते हैं अंदर का ये फैब्रिक, तो थोड़ी ना गर्मी बनी रहती है अंदर को बरकरार, तो अब जाके ठंडी हुई है, ठंडी ठंडी हवा मुंह पे पड़ रही है ना, तो बढ़िया लग रहा है। आज काम तो हो गया, दूसरी लोकेशन पे आया हूँ अपनी बुक्स कलेक्ट करने, चलो अब चलते हैं अंदर, भाई लू चल रही है भाई, नॉर्मल हवा भी चल रही है तो लू ही है। अरे भाई इतनी धूप है कि कोई बाहर ही नहीं निकलता, लोग छाव छाव में चल रहे हैं, तो छाव है नहीं फिलहाल। भाई बुक्स तो आ चुकी है अपनी, ठीक है, पीछे रख दिया यहाँ पे, फिलहाल अब चलते हैं घर की ओर। भाई बार बार बोल रहा हूँ गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मन कर रहा थम सब पी लो, सब पीते हैं भैंस में आप, लेकिन दिमाग ख़राब हो गया भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। देख रहे हो सड़क पे ना बंदा है ना बंदे की जात है, मतलब गाड़ियाँ वाले भी कम है, वो जाम वहाँ पे होता है जहाँ पे थोड़ी बिजी होती है ना प्लेसेस वगैरह, मतलब ये भी ठीक ठाक है, लेकिन भाई इतना वो नहीं है रश सड़कों पे दोपहर के टाइम, किसी को अपनी तबीयत थोड़ा ख़राब करानी है भाई, हवा में घूम के रेट दिए तरबूज भाई, तरबूज तरबूज सब ले लिया है, अब चलते हैं घर की ओर, हम काट के खाते हैं भाई, मीठा इतना है, बहुत चिपचिप हो गया रहा हूँ ना, मीठा बहुत है ना भाई साहब, ये वाले मिलते नहीं है दूसरे, जो तीर वाले होते ना, मतलब क्या बोलते हैं टेक्सचर वाले, प्लेन वाले मिलते हैं आजकल ऐसी जगहों पर मिलते हैं बढ़िया वाली, मजा आ रहा है, अपने घर के पास मिलते हैं वहाँ से भी खाते, लेकिन आते नहीं ना भाई। थोड़ा और दूर पड़ जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, लाया तो अपना फेवरेट रूट ना, फिर क्या दिक्कत, घर जाके जल्दी करना भी क्या है।
ए भूपेंद्र क्या कर रहा? छिनछैन देख रहा, छिनछैन और खाना खा ला, खाला खाना खा ला, खाना खाना था ले, फिर थे लेते पबदी ठीक है, ये दंते बाद नहीं दस मिनट बाद ठीक है, ठीक है थाना था ले, थाना था ले। और भाई अभी सिस्टम क्या, अभी सिस्टम कुछ भाई कितना गोरा लग रहा हूँ मैं हूँ गोरा भाई, सिस्टम ये बस खाना वाना सब कुछ खा लिया ठीक है, और बज रहे 11 तो बस भाई अपनी सोने की तैयारी और ब्लॉग भी कर देते हैं भाई। बस सुबह से ना भागा दौड़ी चल रही है और घर आके ना बहुत काम किया है, ऐसा कुछ नहीं खाली बैठा हुआ था, जो अपना करना गया था ना इंटरलॉक असेसमेंट जो चल रहे हैं भाई उनको कर भी लिया, सिर्फ दो पेपर बचे उनको कलर के निपटा दूँगा, हो सकता हूँ सोने से पहले निपटा दे, हो सकता है मूड के ऊपर डिपेंड करता है, करने को तो एक बार में कर दूँ एक घंटा लगेगा मुश्किल से, कुछ ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन भाई इस चीज़ के लिए इतनी दूर जाना पड़ा ना ये चुभता है भाई, सही बात है। और इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट ऑल्सो फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।